वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड ऑफ वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वासने और आज हम बात करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। ये टॉपिक आपके इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने मत करेगा थ्रू CDS, NDA, AFCAD, INET एंड टेरिटोरियल आर्मी। अगर मॉडर्न हिस्ट्री की आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। यहां से शुरू होती है कहानी क्विट इंडिया मूवमेंट की। यहां पर बात आती है पहले वर्ल्ड वॉर टू की। वर्ल्ड वॉर टू शुरू होता है 1939 से एंड खत्म होता है 1945 में। कहानी यहां पर शुरू होती है हिटलर के नाम से। हिटलर को जूस से बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसका मानना होता है जर्मनी में अगर कोई भी हार हुई है, बुरा हाल चल रहा है, वो चल रहा है जूस की वजह से। जूस क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बस। जो मरते हैं लोग देश के लिए वो जर्मनी के बाकी लोग हैं, जूस कुछ नहीं करते। यहां पर जैसे ही जर्मनी में हिटलर पावर में आता है 1939 में, वो अटैक करना शुरू कर देता है जूस पे और उन देशों पर अटैक करना शुरू कर देता है जिन्होंने जर्मनी पे कभी अटैक किया था। और इसका पहला शिकार बनता है पोलैंड। और इसके पावर के इन्फ्लुएंस में बहुत सारे देश आने लगते हैं, यूके, फ्रांस जैसे भी, और इन पे भी कैप्चर करना शुरू कर देता है। इस बात को देखते हुए दो ताकतें बन जाती हैं दुनिया में। एक होती है एक्सिस पावर, दूसरी होती है एलाइड पावर। एक्सिस पावर में आते हैं जर्मनी, इटली, जापान, जबकि एलाइड पावर में आते हैं यूके, फ्रांस, यूएसए, रशिया एंड चाइना। यहां से कहानी आगे बढ़ती है। कहानी में क्या होता है, वर्ल्ड वॉर टू में इंडिया को भी ड्रैग कर लिया जाता है क्योंकि यूके की हालत बहुत खराब है और वो सीधे सीधे कहते हैं इंडिया ब्रिटिश एम्पायर का एक बहुत बड़ा पार्ट है तो वो भी वर्ल्ड वॉर में आएगा। इस बात से हिंदुस्तानी बहुत खता होते हैं। कांग्रेस क्या करती है, फटाफट एक कांग्रेस सेशन रखती है वारधा में और यहाँ पर इस जो टॉपिक है कि वर्ल्ड वॉर टू में इंडिया का हिस्सा होना चाहिए, इसको मना करती है। इसमें गांधी जी एक बात कहते हैं कि जो हिटलर कर रहा है वो गलत है, वो फासिज्म है, वो बहुत ज्यादा लोगों को मार रहा है और उसको हमें रोकना ही होगा, थोड़ा बहुत तो हमें अंग्रेजों के साथ देना ही होगा जिससे ये हो सके। बट वहां पर गांधी जी एक बात पे और स्ट्रेस देते हैं, वो है टोटल इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, पूर्ण स्वराज। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही अंग्रेज कुछ खास अच्छे हैं, ना ही हिटलर कुछ खास अच्छा है, दोनों ही अपने मतलब के लिए हैं। अंग्रेजों ने हम पे और फ्रांस ने हम पे बहुत सालों तक राज किया है और हिटलर जो कर रहा है वो भी गलत है, वो भी यूके जैसी ही हरकत कर रहा है, यूके ने 2 साल पहले की और वो आज कर रहा है, बस फर्क इतना ही है। तो कहते हैं कि यही वो तरीका है कि हम अंग्रेजों का साथ ना दें और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं और हम आजादी ले लें अंग्रेजों से। यहां से कहानी और आगे बढ़ती है। उस टाइम एक वायसरॉय आते हैं लॉर्ड लिनथगो, उनका टर्म का टेन्योर होता है 1936 से 43। कांग्रेस की जो पहली डिमांड होती है टोटल इंडिपेंडेंस, वो लॉर्ड लिनथगो वायसराय मानने को तैयार नहीं होते। सुभाष चंद्र बोस इसके बाद अपनी एक नई राह पकड़ लेते हैं, वो अपनी एक आर्मी की तैयारी शुरू करनी कर देते हैं। यहां से जब कांग्रेस की इस बात को वो नहीं मानते तो लॉर्ड लिनथगो सीधे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अप्लाई कर देते हैं क्योंकि और उनके पास सोचने का कोई समय नहीं है कि इस देश में और क्या करें जिससे इनको, जो कांग्रेस है और बाकी लीडर्स हैं, उनको रोका जा सके। फटाफट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इस देश को रोकना दबाना शुरू कर देते हैं। इसके अपोजिशन में कांग्रेस क्या करती है, जो वॉर होती है उसमें सपोर्ट ना करने की बात करती है, जो मिनिस्ट्री होती है उसमें से रिजाइन करने के लिए सारे के सारे नेता कांग्रेस के राजी हो जाते हैं और अपनी पोस्ट छोड़ देते हैं। 1940 का समय होता है जहां कांग्रेस एक मास स्ट्रगल की बात कर रही है, वही मुस्लिम लीग बात कर रही है लाहौर के अंदर बैठ के कि अब एक ऐसा समय आ गया है कि मुसलमानों को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी और जिस स्टेट में मुसलमान सबसे ज्यादा हैं उनको फ्रीडम पहले मिले और उनका एक अलग देश बने, और जहां माइनॉरिटी हैं जैसे कि मध्य प्रदेश और बाकी ऐसे कोई स्टेट्स, उनमें उनकी माइनॉरिटी के लिए सेफगार्ड के लिए राइट होनी चाहिए। यहां पर अगस्त ऑफर 1940 आता है। लॉर्ड लिनथगो को कहते हैं कि यार ये अब अंग्रेजों को वैसी दिक्कत आ रही है वर्ल्ड वॉर में और ये लोग और प्रॉब्लम कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ बात हमें माननी पड़ेगी। तो वो क्या करते हैं, डोमिनियन स्टेटस की जो बात है उसको उठाते हैं कि देखो एक काम करते हैं, पहले आपने याद होगा डोमिनियन स्टेटस बात की थी गांधी जी, तो उसमें हम क्या था कि हम जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, उनके अंदर सरकारें चलती हैं उनके लोगों की, अपने जो नेटिव लैंड के लोग हैं वो अपनी सरकारें चलाते हैं, तो इसी तरह हम आपको दे देंगे डोमिनियन स्टेटस, आप अपनी सरकार चलाओ, सिर्फ जो क्वीन होगी वो वीटो पावर रखेगी बस, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी आपकी प्रॉपर, वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आपके बहुत सारे मेंबर होंगे, इसमें एक्सपेंशन होगा और जो माइनॉरिटीज होंगे, जो बहुत ही कम वर्ग के लोग हैं, मतलब बहुत ही कम परसेंटेज के लोग हैं, उनको वीटो पावर मिलेगी, जिससे अगर उनको कोई प्लान या पॉलिसी अच्छी नहीं लगती तो उसका बायकॉट कर सके वो। खैर यहां से जब आगे कहानी चलती है तो ये बात लाने का जो रीजन था लॉर्ड लिनथगो का वो सिर्फ हिटलर ही था। मैंने आपको जैसे पहले बताया
हिटलर ने बहुत तेजी से एक्सपेंशन कर लिया था। ये देखो जो आपको सामने येलो वाला एरिया है ना, वो ऑलमोस्ट हिटलर ने कैप्चर कर लिया है, और ये जो ब्लू एरिया है ऑलरेडी जर्मनी के पास है। आज का जर्मनी सिर्फ यहां तक का है, तो सोच के देखिए उसने उस टाइम कितना एक्सपेंशन कर रखा था। अब यहां से चलती है कहानी आगे की तरफ। कांग्रेस इस डोमिनियन स्टेटस को धक्का मार के अलग कर देती है कि नहीं, हमें नहीं चाहिए कोई डोमिनियन स्टेटस। हमने 1930 में जब हमारा एक बहुत बड़ा लीडर भगत सिंह मरे थे, उस टाइम ही कह दिया था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो अब आज डोमिनियन स्टेटस की बात कहां से आ गई, ये इस बात को रिजेक्ट कर देते हैं। मुस्लिम लीग पर इसको लाइक करती है कि पहली बार ऐसा होगा जो माइनॉरिटीज होगी उनको ताकत मिलेगी, तो वो वीटो पावर के लिए आगे स्ट्रेस देते हैं, और स्ट्रेस देते हैं पार्टीशन के लिए। खैर यहां से कहानी आगे बढ़ती है। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, अब आता है इंडिविजुअल सत्याग्रह, या हम कहें दिल्ली चलो मूवमेंट। समय था अक्टूबर 1940। गांधी जी कहते हैं कि आज वो समय है कि हमें अंग्रेजों को बताना होगा हमें आजादी चाहिए, वरना इन्हें पता नहीं लगेगा और कहीं ना कहीं हमारा फ्रीडम स्ट्रगल दब जाएगा। उसके लिए कहते हैं कि अभी अंग्रेज बहुत वीक है, अगर हमने इनके खिलाफ मास स्ट्रगल किया तो एक बहुत ही अनफेयर लड़ाई हो जाएगी। तो कहते हैं जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सत्याग्रह करेंगे, और इसमें पहला नाम आता है विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू का। बट ये जो स्मॉल इंडिविजुअल मूवमेंट होता है जिसमें खाली एक दो पॉलिटिकल लीडर्स को ही पहले सत्याग्रह करना होता है, इसमें दुनिया के कह रहा हूँ सॉरी देश के सभी जो लोग होते हैं पार्टिसिपेट करने लगते हैं, और सभी सत्याग्रह के राह पे चल पड़ते हैं। ये बात को देख के अंग्रेज बहुत गुस्सा हो जाते हैं, और अंग्रेज थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो सत्याग्रह कर रहे थे उनको जेल में डाल देते हैं। पैरेलली क्या हो रहा है, जर्मनी कैप्चर कर चुका है मोस्ट ऑफ यूरोप, मैं आपको उसके बारे में मैप दिखा चुका हूँ। सोवियत यूनियन पे अटैक कर चुका है जर्मनी। अब यहां पर जो जापान उसका दोस्त था जर्मनी का, उसने भी यूएस पे बहुत ही भारी हमला कर चुका है। उसने यूएसए का पर्ल हार्बर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बेस था उनका एयरबेस, उसको उड़ा दिया। इंडोनेशिया, मलेशिया और बर्मा इस पे पूरी तरह से कब्जा है, मतलब आसियान देश जो है उन पे कब्जा कर लिया था उस समय। अब वो आगे चल रहा था और इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहां से वो घुसने की कोशिश कर रहा था, वो एरिया था रंगून। यहां से कहानी आगे बढ़ती है। इस बात को समझते हुए अंग्रेजों ने कहा कि यार कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी हमारी बात मान जाए और हमारे लिए वॉर में सहायता करनी शुरू करें बजाय हमें परेशान करने की। तो एक इंसान को भेजते हैं, क्रिप्स को। क्रिप्स एक ऐसे इंसान होते हैं जो हमेशा इंडिया के बारे में फेवर में बोलते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। अब अगर जो इंसान इंडियंस के फेवर में बोल रहा है तो अगर उसे इंडिया भेजेंगे तो इंडियंस उसकी बात सुनेंगे, इस बात को लेकर चलते हैं। ये थे जो इनका नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये थे लेबर पार्टी के। इन्होंने सिंपल एक बात कही कि ठीक है मैं जाके बात करता हूं, और वहां पर सेम बातें रखी जो पहले लॉर्ड लिंथगो ने रखी कि हम आपको एक डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। बट इस डोमिनियन स्टेटस के चक्कर में फिर गांधी जी नहीं आ रहे थे। इन्होंने कहा नहीं, हमें डोमिनियन स्टेटस एक्सेप्टेड नहीं है, आप यहां से इस डोमिनियन स्टेटस को ले जाओ, हमें पूरा देश और फ्रीडम के लिए चाहिए, पूरा देश आजाद चाहिए, कोई एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहां से कहानी आगे बढ़ती है। कांग्रेस को रियलाइज होता है कि जापान जो है नॉर्थ ईस्ट के दरवाजे खटखटा रहा है और वो कभी भी पूरी तरह से देश पे कब्जा कर सकता है। बट यहीं पर उनको एक पैरेलली बात और समझ में आती है कि कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स हैं उनका हुक्का पानी बंद हो गया है, मतलब वो पूरी तरह से बैंकक्रप्ट होते जा रहे हैं, वो पूरी तरह से हार रहे हैं और उनके पास कोई चॉइस नहीं बचेगी आने वाले समय में, और ना ही वो देश को कंट्रोल कर पाएंगे। तो अब ये फ्रीडम स्ट्रगल को पूरी तरह से आग देनी है और जापान को नॉकआउट करे रखना है। खैर जापान को नॉकआउट करने का काम तो जो बाकी सुपर पावर होती हैं वो ही कर देती हैं, जैसे यूएसए कर देती है, उसके बारे में हम समझाएंगे आपको आगे। 8 अगस्त 1942 बॉम्बे का कांग्रेस सेशन होता है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बनाई जाती है और एक सिंपल एक नारा लगता है क्विट इंडिया। इसके लीडर होते हैं गांधी जी, और ये एक नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल होता है। कहानी और आगे बढ़ती है। उसी 8 अगस्त 1942 को एक नारा और दिया जाता है, डू और डाई, गांधी जी के द्वारा। अब इस डू और डाई नारे का मतलब होता है करो या मरो। इस नारे को कई तरह से लोग अपने लिए अपने तौर पर समझते हैं और आजादी की लड़ाई अपने तरीके से लड़ना शुरू कर देते हैं, आइदर वॉलेंट और नॉन वॉलेंट। वो हर तरह से अपनी आजादी के लिए लड़ते हैं। वो कई बार नॉन वॉलेंट में जैसे बॉयकॉट कर दिया चीजें, अंग्रेजों की बात नहीं मान रहे, लॉज नहीं मान रहे, या कुछ ऐसा कर दिया जैसे अंग्रेज परेशान हो रहे वो कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस चौकियां चला दी, रेलवे लाइंस तोड़ दी,
अंग्रेजों को पीट दिया, ऐसा भी हो सकता था। तो डू और डाई अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग वो लेते जा रहे थे और करते जा रहे थे। तो इसमें एक ऐसा बन गया था, हर मास ग्रुप में कोई ना कोई अलग ही लीडर बनते हुआ जा रहा था जो अपने अकॉर्डिंग डू एंड डाई का मीनिंग निकाल के लड़ रहा था। खैर, गांधी जी ने इस बार रोका नहीं उन्हें, करो अब तो आजादी ही मिलेगी चाहे जिस तरीके से मिले। मैसिव अपराइजिंग हुई पूरे देश में। फिर क्या होता है कि कई जगह, क्योंकि पूर्ण स्वराज की बात हो चुकी थी कि पूरी तरह से आजादी चाहिए, तो देश के कुछ जगह जैसे सतारा जो महाराष्ट्र में है, बेलिया एंड मिदनापुर, वहां पर लोगों ने अपनी सरकारें पैरेलल गवर्नमेंट बनाने शुरू कर दी थी। यहां से क्या होता है कि गवर्नमेंट को अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है इन लोगों से, हिंदुस्तानियों से, तो वो सीधे काम करते हैं कि अब सीधे स्ट्रिक एक्शन लो, बॉम्ब डाल दो जो ऐसी अपराइजिंग कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन को उड़ा दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उनके लोग बॉम्ब से उड़ा दो, उन लोगों को मशीन गन से फायर कर दो, टीयर गैस डाल दो, कोई ज्यादा बदतमीजी कर रहा है, ज्यादा बायकॉट चला रहा है तो उसको टीयर गैस कर दो। मिलिट्री रूल अप्लाई कर दिया, सीधे जैसे जलियांवाला बाग में ओपन फायर करके लोगों को मार दिया गया था, वैसे ही 10,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया करीबन। यहां पर यह रिवोल्ट 1945 तक चलता है और उसके बाद पॉलिटिकल वैक्यूम आ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर टू भी एंड हो चुका होता है और इसी के साथ क्विट इंडिया मूवमेंट भी ऐड हो जाता है। अब यहाँ पर जो बातें चलेंगी वो पॉलिटिकल बातचीत चलेंगी आगे, सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं उस बारे में बात चलेगी, देश को आजादी में अब कैसे इंडिया और पाकिस्तान को बांटना है उस बारे में बात चलेगी। अब ये सब बातें तो होती रहेंगी, बट मैं कहूंगा कि यूपीएससी अपने कंसेप्ट रिपीट करता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, तो आप इन तीनों में से कोई सी भी किताब लो, इनमें पास्ट ईयर हैं डिफरेंट सारे एग्जाम्स के, इनको इस्तेमाल करो, इनको पढ़ो और इनसे ज्यादा प्रैक्टिस करो, तभी आपके कंसेप्ट स्ट्रांग बनेंगे। मैं लेता हूं आपसे विदा, ये तीनों चीजें आपको पता ही हैं, तो अच्छी लगी हो तो कर दीजिएगा, बहुत अच्छी लगी हो तो खाने पे इनवाइट कर लीजिएगा, हैशटैग वाश ने करके कमेंट बॉक्स में आप अपना कोई मैसेज दे सकते हैं। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।